वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे जेनपा सीयू 2022 का जो एग्जाम का जो गाइडलाइंस है। आप लोग तो 15 मई में एग्जाम देने जाओगे, तो उस दिन आपको क्या क्या गाइडलाइन मेंटेन करना है, क्या क्या आप लोगों को नहीं करना है, ये सब कुछ चीज़ आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सारा वीडियो मिल जाए। तो चलो फिर आज का जो टॉपिक है उसको चलते हैं कि जेनपा सीयू 2022 का जो एग्जाम का दिन है उस दिन आपको एग्जाम सेंटर और एग्जाम हॉल में जाने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस मेंटेन करना चाहिए। तो चलो फिर आज का टॉपिक देख लेते हैं। तो देखो ऐप फर्स्ट आपको जो मेंटेन करना चाहिए वो है कि आपको 30 मिनट्स पहले एग्जाम स्टार्ट होने का आपको जो रिपोर्ट करना होगा एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको जो करना है वो है कि आपको कोविड प्रोटोकॉल आपको मेंटेन करना है, आपको कोविड प्रोटोकॉल आपके साथ लेकर जाना है। इसके बाद आते हैं कि आपको क्या क्या लेकर जाना होगा एग्जामिनेशन हॉल में जिसको छोड़कर आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो एक नंबर पर आता है आपका एडमिट कार्ड, तो जेनपा सीयू 2022 का जो एडमिट कार्ड है उसको आपके साथ लेकर जाना होगा। दो नंबर पे आते हैं आपका वन कॉपी कलर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो जो आप अपलोडिंग के टाइम पर अपलोड किया था जो फोटो उसको आपके साथ लेकर जाना है, मतलब जब आप एप्लीकेशन कर रहे थे तब आप जो फोटो अपलोड किया था। अगर वो फोटो आपके पास नहीं है तो आपको कोई भी एक रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपके साथ लेकर जाना है। इसके बाद आते हैं कोई भी एक फोटो आईडी प्रूफ आपके साथ लेकर जाना है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो गया और उसको छोड़कर आप आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब कुछ चीज़ आप अपने साथ लेकर जा सकते हो। तो यही है आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो ये तीन चीज़ आपके साथ लेकर जाना है एंड उसके साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल भी आपको मेंटेन करना है। इसके बाद आते हैं क्या चीज़ आपके साथ लेकर नहीं जा सकते हो, तो चलो फिर देख लेते। तो एक नंबर पे आते हैं आपके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आपके साथ लेकर नहीं जा सकते हो। अगर आपके पास कोई भी रिस्ट वॉच और अदर कोई ब्लूटूथ और फोन मोबाइल ये सब अगर आपके पास से मिला तो आपका एग्जामिनेशन भी कैंसिल हो जाएगा एंड उसके साथ साथ आपको बहुत सारा पेनल्टी भी भोगना होगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं कि आप अपने साथ कोई भी पेन नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल पे ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा WBJEE बोर्ड की तरफ से, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये सब कुछ चीज़ आपको नहीं करना है। यहाँ पर कोई भी ड्रेस कोड नहीं होता है, तो आप कुछ भी ड्रेस कोड पहन कर जा सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि ये कम्फर्टेबल ड्रेस आप पहन के जाओ। तो यही सारी चीज़ था एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने का गाइडलाइंस। तो इसको छोड़कर और कुछ अगर आपको इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर भी बोल सकते हो। तो इतना ही था गाइडलाइंस, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।